दिव्यापुर के निवासी रिटायर्ड लेखपाल की मारपीट के बाद अस्पताल में मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से अहिल्याबाई होलकर समाज सेवा समिति के सैकड़ों पदाधिकारियों ने बाबा परमहंस की बगिया स्टेशन रोड दिव्यापुर से कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों की गिरफ्तारी कर फांसी देने की मांग कर जमकर नारेबाजी की तथा पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं जुलूस के दौरान दिव्यापुर इंस्पेक्टर ने कैंडल मार्च निकाल रहे लोगों से रोड जाम न करने की बात कही, जिस पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। जुलूस स्टेशन रोड से निकालकर नहर तिराहा ओवरब्रिज से होकर फफून चौराहे पर समाप्त हो गया। जुलूस में सपा, भाजपा सहित अन्य दलों व संगठनों के कई लोग उपस्थित रहे। मामले में सपा नेता कमलेश यादव नामजद हैं। प्रकरण है, बाबा अपने खेत पर गए हुए थे। खेत पर कमलेश यादव के साथ में 6 अज्ञात लोग आए और उन्होंने ताबड़तोड़ मारपीट करी है। मारपीट में मृतावस्था में छोड़ के वो वहां से भाग गए सभी लोग। हम लोग उनको लेके फफून थाने में रिपोर्ट कराई। फफून थाने में रिपोर्ट कराने के बाद में हम लोग हैलट में रेफर किए गए। हैलट में उपचार चल रहा था और 28 तारीख को जो एनसीआर दर्ज हुई उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 11 जनवरी को तबीयत खराब होने के बाद हम उनको कानपुर लेके गए। कानपुर में इलाज के दौरान रिजेंसी में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद FIR हुई, बट अभी तक आज 20 तारीख होने जा रही है, अभी तक कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। हम लोग न्याय मांगना चाहते हैं कि एक सज्जन पुरुष को इस तरीके से मारने के बाद में, डराने धमकाने के बाद में, योगी जी से न्याय मांग रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पे दबंगई फैला के जो यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है भूमाफियाओं द्वारा, इस तरीके से उनको सजा दिलाएं, उनको फांसी की सजा दिलाएं, और ताकि यहाँ पे लोग जो इज्जतदार लोग हैं और जो शांत प्रिय लोग हैं वो यहाँ से पलायन ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।